नवंबर में नोट बैन के बाद कई अर्थशास्त्रियों ने आशंका जताई थी कि इससे देश की विकास दर कम हो सकती है, लेकिन इसका कोई खास असर अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा और भारत अब भी दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है। मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में देश की जीडीपी का ग्रोथ रेट 7% रहा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक तीसरी तिमाही में जीडीपी 7% की दर से बढ़ी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 8.3% की दर से बढ़ा। मार्च 2017 में खत्म हो रहे वित्त वर्ष के सालाना ग्रोथ रेट का अनुमान 7.1 बराबर रखा गया है। इस बीच सीएसओ ने पहली और दूसरी तिमाही के जीडीपी वृद्धि के संशोधित आंकड़े जारी किए हैं, जिनमें पहली तिमाही में संशोधित वृद्धि दर बढ़कर 7.2% और दूसरी तिमाही में 7.4% हो गई है। ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि तीसरी तिमाही के मध्य में नोटबंदी के फैसले से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुए होंगे, जो कि गलत साबित हुई। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने इन आंकड़ों पर कहा कि ये आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष के ऊंचे आधार प्रभाव की वजह से है और इनमें नोटबंदी का अधिक नकारात्मक प्रभाव नहीं दिख रहा। Reports and we had said that most of the reports were anecdotal, not based on statistics. There were reports that manufacturing activity in many sectors were affected during the demonetization, but as we see from the numbers, manufacturing sector growth at 8.3% is very satisfying and it's a very promising number. And also, I must mention here that the report, if you go through the projections, the tax collections also have improved significantly. Mining sector has done well. So if you see agriculture, manufacturing, mining, these are the, you know, the underlying, you know, these are the substantive sectors of any economy. गौरतलब है कि 8 नवंबर को पीएम मोदी मौजूदा चलन में मौजूद 500 और 1000 के नोटों को बंद कर देने का ऐलान किया गया था। उस वक्त भारत में मौजूद कुल करेंसी का 86% हिस्सा इन्हीं नोटों के रूप में था। उस वक्त कई अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि इससे भारत की ग्रोथ रेट नीचे गिर जाएगी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।